Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and the class of previous year question series of bank clerk. Today I will discuss bank clerk questions based on sitting arrangement जो कि 2019 और 20 के अंदर क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट यही आता है, एक तरह से पूरा पेपर जो 35 क्वेश्चंस है उसके अंदर से चार आपके या तो ऐसा हो जाता है कि तीन पजल आ गई एक सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर ऐसा हो जाता है कि दो सीटिंग अरेंजमेंट दो पजल, या फिर ऐसा हो जाता है तीन सीटिंग अरेंजमेंट एक पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आईबीपीएस क्लर्क के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट्स आई हुई थी 19 और 20 में वो मैं डिस्कस करूंगी। तो सभी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर कर देंगे बिकॉज बेटा क्लैरिकल की सीटिंग अरेंजमेंट, क्लैरिकल एग्जाम की जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो आपका बेस है पीयू के एग्जाम के लिए भी और आपके मेन्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। यहाँ से आपको पता चल जाता है जब हम क्लैरिकल की पजल सोल्व करते हैं, क्लैरिकल की सीटिंग अरेंजमेंट सोल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू सोल्व द सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। ओके, तो एक बार हमें करेक्ट मेथड पता चल जाता है उसके बाद जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो भी हमें डिफिकल्ट नहीं लगता बिकॉज हमें करेक्ट तरीका पता है कि उसको कैसे करना है। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर मैं सीटिंग अरेंजमेंट ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बेटा आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर there were three puzzles and one sitting arrangement. एक sitting arrangement आई हुई थी, तो पहले तो वो discuss करेंगे, उसके बाद 19 के अंदर दो sitting arrangement आई थी, वो दोनों discuss करेंगे. Okay? तो अब देखिए first जो है आपके पास में, हाँ जी, जो first है, first simple सी sitting arrangement है, क्या है? There are seven people standing in a row from top to bottom. ठीक है, seven people row wise खड़े हैं। अब या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ जी अगर आपके इसके अंदर ऑर्डर के अंदर वो कह रहा है कि हाँ जी उससे पहले है, ठीक है, तो पहले इधर हो जाएगा लेफ्ट में, बाद में है इधर हो जाएगा। अगर टॉप डाउन में चल रहे पहले दैट मीन्स की टॉप में आ गया, बाद में दैट मीन्स की बॉटम में आ गया। ओके, पहले तो लाइन का मीनिंग समझो। मैं यहाँ पे आपको साथ में सिर्फ इसको सोल्व नहीं करूंगी, हम क्या करेंगे सिर्फ आंसर प्रोवाइड करना मेरा मेन मोटिव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कैसे आप लोग उसको अरेंज कर सकते हो, कैसे हमने उसको सॉल्व करना सीखना है, क्या है करेक्ट मेथड। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेवन पीपल आर स्टैंडिंग इन टॉप टू बॉटम इन कंसेक्यूटिव मैनर्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, अब उसके बाद कह रहा हूँ थ्री पीपल स्टैंड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में तीन लोग है, ए और बी के बीच में तीन लोग है, तो हम भी क्या करते हैं ए और बी के बीच में कितने हैं, तीन लोग। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं यहां पे भी लिख लेते हैं एक दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है पहले बी आया और फिर ए आया, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है। उसके बाद में क्या, एफ स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर बी, एफ स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर बी, तो यहां पे देखें तो एफ यहां पे आ जाएगा, अगर हम यहां पे देखें तो एफ यहां पे आ जाएगा। और साथ साथ में ध्यान रखना हमारे सेवन पीपल पूरे हो गए रो के अंदर। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, टू पीपल स्टैंड्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में दो लोग। अब यहां पे देखो, अगर मान लो मैं यहां पे देखती हूँ इसको एफ और सी को, तो यहां पे तो बेटा ए है, ठीक है, दैट मीन्स कि एफ और सी के बीच में दो लोग, सी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो हमारी रो के अंदर कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पर्सन तो है ही, दैट मींस कि नीचे की साइड तो आ नहीं सकता, तो सी कहां पे आ जाएगा, वन टू सी यहां पे आ गया। उसने यही कहा ना कि दो लोग होंगे एफ और सी के बीच में। डी स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर सी, डी स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर सी, सी के जस्ट बाद कौन है, डी है, सी के जस्ट बाद कौन है, डी है, क्लियर। हाँ जी, ये आ गया बेटा डी, डन। अब उसके बाद में क्या है, मोर देन टू पीपल स्टैंड्स बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, दैट मीन्स कि थ्री हो सकते हैं फोर हो सकते हैं। अब अगर हम डी और एच देखते हैं, यही कहे ना, मोर देन टू पीपल स्टैंड्स बिटवीन डी एंड एच। अब डी अगर हम यहाँ पे देखें तो एच को कहाँ पे पुट कर सकते हो, अब यहाँ पे हमारे पास में इसके अंदर पूरे कितने, सिक्स पर्सन है। अगर मान लो मैं यहाँ पे आती हूँ नीचे की साइड, तो यहाँ पे अगर हम एच को पुट करें तो उस केस में कितने बन रहे हैं, सिर्फ दो ही पर्सन बन रहे हैं, मोर देन टू तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि भाई ऐसा करते हैं कि एच को यहाँ पे पुट कर लेते हैं,
ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में मोर देन थ्री बन गए, वन टू थ्री, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। अब अगर हम इधर देखें तो क्या कह रहे हैं, डी और एच के बीच में मोर देन टू होने चाहिए, मोर देन टू दैट मीन्स एच यहाँ पे नहीं आ सकता, एच कहाँ पे आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा, क्लियर। उसके बाद में नो वन स्टैंड्स बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में कोई भी नहीं है, एच और जे के बीच में कोई भी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों साथ में है, दे बोथ आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जे को रखते हैं तो इसके बीच में तो ए आ रहा है, ए आ रहा है, दैट मीन्स की कंडीशन रॉन्ग हो रही है, ओके। यहाँ पे अगर हम जे को रखते हैं तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, दैट मीन्स की कंडीशन हमारी सही है, सो दिस इज द अरेंजमेंट, डन। कोई इसमें डाउट किसी को, बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, ओके। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करते हैं, सेम अरेंजमेंट यहाँ पे है आपके पास में, सो दैट बार बार हमें बैक ना जाना पड़े। क्या है, हाउ मेनी पीपल स्टैंड्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कितने लोग, ए और एच तो साथ साथ है, दैट मीन्स व्हाट, कि दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स नन, ओके। नेक्स्ट है, हु स्टैंड्स इमीडिएट आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद कौन है, बी, दैट मीन्स, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मैनी पीपल स्टैंड बिफोर बी, बी से पहले, बी से पहले कितने, टू पीपल, सो क्या आ जाएगा आपके पास में, टू पीपल। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग अस द फॉलोइंग स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड डी, H और D के बीच में कौन है, ये H और D के बीच में कौन है, अगर हम बीच में देखना है, दैट मीन्स कि यहाँ से ये दोनों चले गए, कौन रह गया, F, दैट मीन्स कि F इज इन बिटवीन H एंड D, H और D के एग्जैक्टली बीच में कौन है, F है, हाँ जी। यहाँ पे आपके पास में दिस वाज आस्क्ड इन IBPS क्लर्क 2019 की सिटिंग अरेंजमेंट है बेटा, देखिए क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि 8% J, F, J, K, M, N, P, S, V आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, फोर ऑफ देम सिटिंग इन कॉर्नर एंड रिमेनिंग सिटिंग इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का आपके पास में अरेंजमेंट आता है तो सबसे पहले उसको साथ साथ में सॉल्व करना शुरू कर देना हमने, दैट मीन्स कि उसको साथ साथ में नोट डाउन करना शुरू कर देना है। तो जैसे उसने कहा क्या कि आपके पास में 8% है, कैसे है, अराउंड ए स्क्वायर टेबल, दैट मींस कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और उसने साथ में क्या कहा, फोर कॉर्नर पे बैठे हैं और फोर मिडल में है, इस तरह से कुछ है, ओके। अब साथ में उसने क्या कहा, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स आउटवर्ड फेसिंग है वो, तो ये क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है, ठीक है। एंड द पर्सन सिटिंग मिडल साइड ऑफ द टेबल फेसेस टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर दैट मींस कि ये इनसाइड फेसेस है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अब देखो, जब भी आपके पास में बेटे डायरेक्शन की बात आ रही है तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, चाहे आपके पास में सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाए, चाहे आपके पास में स्क्वायर अरेंजमेंट आ जाए, कि अगर, हाँ जी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर हमारे पास में इनवर्ड फेसेस है, मैं क्या कह रही हूं, इनवर्ड फेसिंग है, तो उस केस के अंदर क्या जाएगा आपके पास में, अगर मैं कहती हूं कि इनवर्ड फेसिंग है तो आप राइट में जा रहे हो, ये अगर आता है, दैट मींस कि आपके पास में क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज राइट बनेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसी तरह से अगर कहता है लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या बनेगा आपके पास में, क्लॉकवाइज, मींस व्हाट, अगर आप इनवर्ड फेसिंग हो, और अगर वो कहता है कि राइट में, तो आपने ऐसे जाना है, जैसे घड़ी उल्टी चलती है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो कहता है लेफ्ट, दैट मींस कि हमने इधर जाना है, दैट मींस कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं क्या, आउटवर्ड फेसिंग की, आउटवर्ड, जैसे आउटवर्ड हो गया, दैट मींस कि अपोजिट हो गया उसका, तो अगर हम बात करें बेटा आउटवर्ड की, नोट डाउन कर लो, अगर बात कर रहे हैं राइट की, राइट, राइट दैट मींस व्हाट, उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अगर कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट दैट मींस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
हाँ जी, ये पॉइंट सभी नोट डाउन कर लेंगे। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो उसके बाद में आप इजीली कर लोगे, फिर तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, काफी इजी हो गया आपके लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या कह रहे हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, नाउ कम ऑन द इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, एफ सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, एफ कहाँ पे है, मिडल में, ओके, एन सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, अब यहाँ पे एन और वी अभी तक मैं कहीं पे नहीं पुट कर सकती, दैट मीन्स कि इसको हम साइड में रख लेते हैं, क्या कि एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। अब साथ में हमें ये भी नहीं पता कि उसका फेस इनवर्ड है या आउटवर्ड है, दैट मीन्स कि हम इसको ड्रॉ भी नहीं करके रख सकते। आगे क्या है, टू पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में दो लोग, तो अगर यहाँ पे एफ है तो जे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, या फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास में दो केसेस बन रहे हैं बेटा, दो केसेस बन रहे हैं आपके पास में। हाँ जी, ये क्या था आपके पास, आउटवर्ड एंड दिस वाज इनवर्ड, दिस इज एफ, दैट मीन्स कि दिस इज जे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप उसके बाद है वी सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे की इमीडिएट राइट के अंदर कौन है, वी है। अब देखो जे यहां पे है आपके पास में, कैसे है, फेसिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड जो फेसिंग है तो उस केस के अंदर बेटा राइट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, दैट मींस कि वी कहां पे आ गया, इधर से अगर मैं क्लॉकवाइज चलाऊं तो ऐसे आएगा ना, तो यहां पे आपके पास में क्या आ गया, वी आ गया, डन। अगर हम यहां से देखते हैं तो बेटा अगर आपके पास में ये है आउटवर्ड तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपके पास में वी आ जाएगा, सिंपल। अब उसके बाद देखो यहां पे पहुंचते हैं, एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी की इमीडिएट लेफ्ट में एन है। अब वी किधर है हमारे पास में, इनसाइड है, दैट मींस कि अगर इसका मैं लेफ्ट देखूं तो लेफ्ट कहां जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, दैट मींस कि यहां पे कौन आ गया, एन आ गया। अगर इधर इस केस के अंदर देखें तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्लियर, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके पास में थ्री पर्संस सिट्स बिटवीन एस एंड एन, एस और एन के बीच में तीन लोग। अब एस और एन के बीच में तीन लोग चाहिए बेटा इधर से आ जाए चाहे इधर से आ जाए, अपोजिट जाएगा, अगर थ्री पर्सन है बीच में तो अपोजिट जाएगा, तो यहाँ पे एस आ गया इस केस के अंदर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेटा आपके पास में एन कहाँ पे है, ये है, दैट मीन्स कि एस यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं, अगर हम देखें तो इमीडिएट नेबर ऑफ एस, दैट मीन्स कि एम आपके पास में यहाँ पे आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास में M यहाँ पे आएगा इस केस के अंदर अगर हम देखें तो। अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर से साथ में अगर यहाँ पे पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इमीडिएट नेबर किसका है, S का, S यहाँ पे है, दैट मीन्स कि M यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, बट M J का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो M तो J का इमीडिएट नेबर बन रहा है, दैट मींस कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे अगर हम देखें तो यहां से ये इमीडिएट नेबर बन रहा है, बट हमें तो इमीडिएट नेबर चाहिए ही नहीं, दैट मींस कि M यहां पे नहीं आएगा, M कहां पे आएगा फिर हमारे पास में, M यहां पे आएगा, क्लियर। अब उसके बाद में कह रहा है कि P faces inside, P का फेस का है इनसाइड। अब यहाँ पे हमारे पास में अब दो पोजीशन बच रही है बेटा, एक आउटसाइड की और एक इनसाइड की। अब कह रहा है कि P का फेस किधर है, इनसाइड है, दैट मींस कि P यहाँ पे आ गया आपके पास में, क्लियर। एक पर्सन बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन बच गया आपके पास में, हाँ जी कौन बच गया, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन थे आपके पास में, एफ जे के, के बच गया ना, के नहीं आया है, तो के यहां पे आ जाएगा। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट, कैसे सॉल्व करेंगे, पता चल गया सभी को। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, पहले ये देखो सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इसी के बेस पे अपने क्वेश्चंस हैं। आगे, हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे, देखिए बेटा सभी का सेम बना है, ओके, यही हमने पीछे ड्रॉ किया था, यही था देखो अपने पास में K, यहाँ पे F N V, F N V J, चेक करो F N V J, देन P S M K, P S M K, सेम बना है। अब उसके बाद में हम आते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन F एंड J,
एफ और जे के बीच में कितने लोग, एफ यहाँ पे बेटा, जे आपके पास में यहाँ पे है, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से लेफ्ट में अगर हम देखें, तो अगर हम एफ से लेफ्ट में जाते हैं तो एफ का फेस किधर है, इनसाइड है, इनसाइड दैट मींस कि लेफ्ट किधर जाएगा आपके पास में, इधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितने लोग बन रहे, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा आपके पास में, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन द सर्टेन वे, हेंस फॉर्म ए ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किसकी बात हो रही है, एस, दिस इज एस, एफ, एफ जे के एन, हाँ जी, आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ कि ये जो चार है वो तो कॉर्नर पे है और सारे के सारे आउटवर्ड फेसिंग है, बट एफ का है सेंटर में है, तो एफ क्या है, डिफरेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम लेफ्ट में सेकंड देखें तो कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, अगेन दिस इज रॉन्ग, 2% सिट्स बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में दो लोग, पी और वी के बीच में, वी कहाँ पे, ये है, दैट मीन्स की 1 है, ये भी रॉन्ग हो गया, एम सिट्स अपोजिट टू एन, एम सिट्स अपोजिट टू वी, दिस इज अगेन रॉन्ग, जे सिट्स अपोजिट टू के, जे सिट्स अपोजिट टू के, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम की लेफ्ट में सेकंड कौन है, पहले तो एम देखिए कहाँ पे, ये एम है बेटा, ठीक है, एम फेसिंग इनवर्ड, क्या कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, 1 2, सेकंड अगर हम देखते हैं किधर जाएगा, क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दिस इज पी, सो पी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन है, तो पी के अपोजिट हमें दिखाई दे रहा है कौन है, एफ, दैट मींस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके हाँ जी, उसके बाद आते हैं हम सेकंड अरेंजमेंट पे, क्या थी अरेंजमेंट, देखिए आपके पास में आईबीपीएस क्लर्क 2019 में बेटा 2 सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, 1 सिटिंग अरेंजमेंट वॉज बेस्ड ऑन स्क्वेयर एंड द सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन 2 रोज, 2 रो की स्टेटमेंट थी आपके पास में। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 persons आर सिटिंग इन 2 parallel rows कंटेनिंग 6 persons इन ईच रो, एक रो के अंदर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, दैट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, जब भी इस तरह से आती है ना अरेंजमेंट तो सीधा अपना माइंड में रखो कि हाँ जी इस तरह से ही बनेगा, जो अपोजिट कोई पर्टिकुलर पर्सन, इसके अपोजिट दूसरा पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ होगा, इस तरह से ही होता है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, हाँ जी, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग आर फेसिंग नॉर्थ, ए बी सी डी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, दैट मीन्स कि ए बी सी डी ई एफ इस वाली रो के अंदर है और सभी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, क्लियर। जब बात आ रही है बेटा नॉर्थ फेसिंग की, दैट मीन्स दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। आगे क्या कहा है आपको, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू और ये क्या है, साउथ फेसिंग है। जब बात आ रही है आपके पास साउथ फेसिंग की, दैट मीन्स कि ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपके पास में राइट। डन, कंसेप्ट क्लियर है तो बाद में इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब उसके बाद में हम आते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ, क्या कह रहा है, ई सिट्स 4th टू द राइट ऑफ बी, ई सिट्स 4th टू द राइट ऑफ बी, राइट की अगर मैं बात करूं दैट मींस कि इधर आना है आपने, ठीक है, तो ई अगर हम करें किसकी राइट में है, बी के, तो बी यहां पे आ गया बेटा 4th, 1 2 3 4, ठीक है, तो ई हमारे पास में यहां पे आ गया, क्लियर। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई इनके पैरेलल में भी तो बंदे बैठे होंगे दूसरी रो के अंदर, तो यहां से हमें क्या आइडिया मिल गया कि भाई एक इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया और ये इसके अपोजिट आ गया, इससे मुझे 5 लोगों की तो अरेंजमेंट पता चल गई, बट एक रह गया। अब मुझे नहीं पता कि जो वो है वो इधर आएगा या फिर हमारे पास में इधर आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ, आगे भी कुछ है बेटा, एक स्टेटमेंट हो रहा है, क्या है, क्यू फेसिस टू ई, क्यू फेसिस टू ई, क्यू का फेस क्या है, इधर है, दैट मीन्स कि क्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गया, ठीक है। साथ में क्या कह रहा है,
कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज सिट टू द राइट ऑफ एस। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्सन हो तभी छह बनेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो क्यू है उसकी लेफ्ट में कितने हैं। यहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू कि क्यू की लेफ्ट में कितने हैं तभी हम राइट में करेंगे। ओके या फिर दूसरी कंडीशन आपके पास में ऐसे भी कुछ बन सकती है, हाँ जी दिस इज बी ई एंड दिस इज क्यू। अब उस केस के अंदर बेटा अपने पास में एक पर्सन यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी अरेंजमेंट बन सकती है। ठीक है तो उस केस के अंदर क्या कह रहा है कि अगर द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन लेफ्ट ऑफ द क्यू इज सेम एज राइट ऑफ एस, तो उस केस में एस कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, अगर क्यू यहाँ पे है। ठीक है देयर आर टोटल सिक्स पर्सन तो एस कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? या फिर अगर क्यू यहाँ पे है तो एस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ पर्सन दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि एक या दो होने ही चाहिए, ऐसा भी हो सकता है आपके पास में कि कोई भी ना हो, इक्वल कहा है उसने। ठीक है अब उसके बाद में क्या है, एफ सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब एफ यहाँ पे इसको हम अभी नहीं सेट कर सकते, बट इससे हमें ये जरूर पता चल गया कि यहाँ पे बीच में ही आएगा, बीच में ही आएगा क्योंकि इमीडिएट है। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी दैट मीन्स कि एफ और डी ऐसे ही आएंगे दोनों, दैट मीन्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मिडल में आएगा। साथ में क्या कह रहा है, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ एफ, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी की लेफ्ट में है, ए जो है दैट इज लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ एफ, और एफ की राइट में है। ओके दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको यहाँ पे बेटा पुट कर देती हूँ, यहाँ पे एफ आ गया और डी आ गया, एफ आ गया और डी आ गया, उस केस के अंदर अगर हम ए की बात करें तो ए अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो उस केस में क्या बनेगा, देखो ए सिट्स लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट्स लेफ्ट ऑफ सी दैट मीन्स कि अगर हम सी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए लेफ्ट में आ गया। ठीक है और साथ में उसने क्या कहा, राइट टू एफ और एफ की राइट में आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इनको यहाँ पे पुट कर देती, यहाँ पे पुट कर देती तो ए यहाँ पे आ जाना था, दैट मीन्स कि रॉन्ग हो जाना था, तो ये वाली स्टेटमेंट आ गई। अगर इसी तरह से हम अगर इसको यहाँ पे पुट करते हैं इस वाले केस के अंदर तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या कहे, ए इज लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी सी की लेफ्ट में होना चाहिए और एफ की राइट में होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे हम बेटा ए को दोनों को इकट्ठा ही पुट करना है, आपको दोनों को इकट्ठा पुट करना है, एक तरह से अपने पास में इस तरह की कुछ अरेंजमेंट बननी चाहिए, एफ डी तो इकट्ठा ही आएगा, ए और सी, ऐसे सी कुछ अरेंजमेंट बननी चाहिए ना, तभी आपके पास में ये एफ और डी इकट्ठा आएगा। ठीक है और जो ए है, ए सीट्स लेफ्ट ऑफ सी आ गया और राइट ऑफ एफ आएगा। अब इसको हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि एफ और डी तो कट्ठे हैं, एफ और डी तो कट्ठे हैं, तो अगर मैं एफ और डी को यहाँ पे पुट करती हूँ और उस केस के अंदर अगर मान लो क्या करेंगे हम, ए को यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ आ नहीं सकता, दैट मीन्स कि ये वाला तो अपना कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि कौन सा केस आगे बढ़ेगा, यही केस आपका आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पे क्या कहा है आपके पास में, हाँ जी ए का ये हो गया, ये क्या कह रहा है, पी फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, पी किसको फेस कर रहा है, जो कि इमीडिएट नेबर है ए का। अब ए का इमीडिएट नेबर बेटा ये दोनों है, अगर हम इनके फेसेस की बात करें तो इमीडिएट नेबर इनको फेस कर रहे हैं दोनों को, बट उसने क्या कहा है कि ये जो है इमीडिएट नेबर ये तो क्यों को फेस कर रहा है, दैट मीन्स कि दूसरा इमीडिएट नेबर की बात कर रहा है और वो किसको फेस कर रहा है, पी को, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आ गया आपके पास में, पी आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे कौन आ गया आपके पास में, पी आ गया। साथ में उसने क्या कहा है, आर सिट्स टू द राइट ऑफ टी, आर कहाँ पे है, राइट ऑफ टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आर अगर हम कहते हैं कि राइट ऑफ टी है तो आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और टी कहाँ पे आ गया आपके पास में, यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब उस केस के अंदर यू कहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आ गया। क्लियर? कोई इसके अंदर डाउट किसी को, किसी को कोई भी माइनर सा इसके अंदर डाउट आ रहा हो,
बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपके पास में अरेंजमेंट बन गई बेटा। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस देखते हैं, पहले ये देखो अरेंजमेंट बिल्कुल सही बनी है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। क्या आर एस पी टी क्यू यू, एंड नीचे जो अपने पास में जो नॉर्थ फेसिंग है वो कौन है, बी एफ डी ए सी। ओके नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। अब देखिए सेम अरेंजमेंट बेटा यहाँ पे हमने ले लिया, सो दैट कि आपकी कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। क्या है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, आर दिस इज आर, पी दिस इज पी, यू दिस इज यू, सी बी सी, दिस इज सी एंड दिस इज B। अब यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करना, मैंने मार्क कर दिया तो आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, बिल्कुल लाइन के एंड पे, ये क्या है बीच में, तो P क्या हो गया अपने पास में, डिफरेंट हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस F, F को कौन फेस कर रहा है, F देखिए कहाँ पे, F ये है, F को कौन फेस कर रहा है बेटा, S फेस कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, S विल बी द करेक्ट आंसर। वट इज द पोजिशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स कि पहले आपने बी को देखना है, अब एफ देखो कहाँ पे है, एफ ये नॉर्थ फेसिंग था, दैट मीन्स कि क्या है, राइट है, इमीजिएट राइट है, तो क्या कहेंगे हम, इमीजिएट टू द राइट। नेक्स्ट आपके पास में, हाँ जी ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रू, एस सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ पी, एस कहाँ पे बेटा, ये है, एस कह रहा है कि इमीजिएट राइट ऑफ पी, दिस इज पी, पी की इमीजिएट राइट में है, बिल्कुल करेक्ट है। यू फेसेस ए, यू फेसेस सी, रॉन्ग है, वैसे तो यहीं पे आंसर आ गया, फिर भी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते। एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे एफ नहीं है। बोथ बी एंड सी इज ट्रू, दोनों ही रॉन्ग है, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑल आर ट्रू, कोई भी करेक्ट नहीं है, क्या आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी की राइट में कौन है। अब अगर हम बात करते हैं टी, टी यहां पे आपके पास में, अब राइट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहां पे ये सारे के सारे क्या है, साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, दैट मीन्स दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। अब इसके राइट में थर्ड अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आ रहा है, आर, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। डन, सो आई होप जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स मैंने करवाई हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। इसके अलावा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये एक सीरीज चल रही है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सभी फाइव ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। तो इस केस के अंदर अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आपको सारे के सारे लेक्चर एक ही प्लेटफॉर्म पे विद पीडीएफ मिल जाएंगे, विद पीडीएफ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो कंप्लीट आप सीटिंग अरेंजमेंट ले सकते हो फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक के लेवल का। ओके तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है बेटा, माइक्रो कोर्सेज में जाना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको अवेल कर सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।